नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2021 की शुरुआत में अब कुछ ही टाइम बचा है और फाइनली आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शंस भी अब खत्म हो चुके हैं। कुल 61 खिलाड़ी यहां पर आईपीएल 2021 की नीलामी के दौरान बिके। और भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में, क्योंकि भाई आरसीबी की टीम ने भी आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के दौरान अपनी टीम में 8 नए खिलाड़ी को शामिल किया है। खरीदने के बावजूद भी यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्क्वाड्स काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। ऐसे में वीकनेस की भी बात करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी आईपीएल 2021 को लेकर एक्साइटेड है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन 8 खिलाड़ियों की लिस्ट की जिनको यहां पर आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शंस के दौरान विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। तो पूरी लिस्ट की बात करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है ग्लेन मैक्सवेल, जिनको इन्होंने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद अजरुद्दीन, जिनको इन्होंने 20 लाख रुपए में खरीदा है। तीसरे नंबर पर है सचिन बेबी, जिनको इन्होंने 20 लाख में खरीदा। चौथे नंबर पर है काइल जेमिनसन, जिनको इन्होंने 15 करोड़ रुपए में खरीदा। पांचवें नंबर पर है रजत पटीदार। छठे नंबर पर है डेनियल क्रिश्चियन, जिनको 4 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। सातवें नंबर पर है सुयास परब देसाई, जिनको 20 लाख रुपए में खरीदा। और आठवें नंबर पर है केएस भारत, जिनको यहां पर 20 लाख रुपए में आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने खरीदा है। और इन 8 खिलाड़ियों को खरीदने के बाद आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी 22 सदस्यीय टीम तैयार की है। अपने स्क्वाड्स को यहां पर वो पूरी तरह से फिलअप नहीं कर पाए, पूरी 25 सदस्यीय टीम नहीं बना पाए, क्योंकि भाई उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे बाद में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। तो चलिए अब हम आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फाइनल स्क्वाड्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई मैंने आप सभी को बताया कि 22 सदस्यीय टीम यहां पर आरसीबी ने तैयार कर ली है। फाइनल स्क्वाड्स पर हम नजर डालते हैं तो भाई 9 बल्लेबाज हैं जो है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पड्डीकल, जोशुआ फिलिपी, रजत पटीदार, सचिन बेबी, सुयास प्रभु देसाई, मोहम्मद अजरुद्दीन और केएस भारत। उसके अलावा 9 गेंदबाज यहां पर आरसीबी के स्क्वाड्स में मौजूद है जो है नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन, पवन देश पांडे, हर्षल पटेल, शाहबाज अहमद और काइल जेमिनसन। 4 ऑलराउंडर इस टीम के स्क्वाड में मौजूद है जो है वॉशिंगटन सुंदर, डेनियल सैम्स, ग्लेन मैक्सवेल और डेनियल क्रिश्चियन। तो भी कुछ ऐसी 22 सदस्यीय टीम यहां पर आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने तैयार कर ली है। लेकिन भाई यहां पर इन स्क्वाड के होने के बावजूद भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में हमें काफी ज्यादा कमियां दिखाई दी है। चलिए बात कर लेते कमियों की। तो पहली कमी हमें यहां पर दिखाई दी ओपनर्स को लेकर। जी हां, इस टीम ने आईपीएल 2021 के ऑक्शंस के दौरान किसी एक्सपीरियंस्ड ओपनर को नहीं खरीदा। हालांकि इनके पास एक छोर पर तो देवदत्त पड्डीकल मौजूद रहेंगे, लेकिन दूसरे छोर के लिए इस टीम ने कोई खास खिलाड़ी नहीं खरीदा। हालांकि यहां पर इन्होंने मोहम्मद अजरुद्दीन को जरूर खरीदा, लेकिन भाई बिल्कुल युवा खिलाड़ी है। ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम थोड़ी सी जरूर फंस गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली कमी की। तो यह कमी है फॉरेन खिलाड़ियों को लेकर। हालांकि 3 खिलाड़ियों के स्लॉट यहां पर पूरे हो चुके हैं। आप सभी को पता है मैक्सवेल को इन्होंने अच्छी खासी कीमत में खरीदा है। काइल जेमिनसन को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, 15 करोड़ रुपए इन्होंने उनके ऊपर खर्च किए हैं। एबी डिविलियर्स की फिक्स। ऐसे में भाई कौन होगा फोर्थ फॉरेन प्लेयर, यह भी सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। क्या एडम जैम्पा होंगे या फिर डेनियल क्रिश्चियन होंगे, डेनियल सैम्स होंगे, किसको खिलाएंगे, सबसे बड़ी मुसीबत यह भी आईपीएल 2021 में आरसीबी के लिए होने वाली। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कमी की। तो भाई आप सभी को पता है कि ऑक्शन के दौरान इस टीम ने अपनी टीम में काइल जेमिनसन को 15 करोड़ रुपए में खरीदा। और कहीं ना कहीं भाई मेरे को ये काफी बकवास आइडिया लगा, क्योंकि अगर यहां पर वो काइल जेमिनसन को छोड़ देते तो अपने स्क्वाड को पूरा कर सकते थे, 25 सदस्यीय टीम बना सकते थे, 3 अच्छे क्वालिटी गेंदबाजों को अपनी टीम में शामिल कर सकते थे। लेकिन भाई कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम काइल जेमिनसन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े भाई के चलते अपने स्क्वाड्स को भी पूरा नहीं कर पाई। तो दोस्तों, कुछ ऐसे आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फाइनल स्कोर्स। इन स्कोर्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।